असलकम टुडेज़ लेक्चर नंबर थर्टी फाइव ऑफ आ कोर्स सी एस टू जीरो वन इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग लगता है कि कोर्स के शुरू से लेकर अब तक हमने बहुत सारा सफ़र तय कर लिया लेकिन एक ऐसी चीज़ है जो कि हमने तकरीबन पहले दिन से उसकी बात करनी शुरू की और इस्तेमाल करना शुरू किया लेकिन उसकी कोई डिटेल्ड डिस्कशन नहीं की यह है टॉपिक जो है वो है इनपुट आउटपुट स्ट्रीम्स का टॉपिक वॉट आर इनपुट आउटपुट स्ट्रीम्स हमने सी इन और सी आउट काफ़ी इस्तेमाल किया है अपनी डिस्कशन के अंदर हर प्रोग्राम के अंदर हमें आउटपुट चाहिए होती है हम सी आउट इस्तेमाल कर रहे होते हैं इनपुट चाहिए होती है हम सी इन इस्तेमाल कर रहे होते हैं साथ ही हमने फाइल इनपुट आउटपुट भी किया हमने फाइलें लिखीं फाइलों से पढ़ना भी सीखा और फिर फाइल ऑब्जेक्ट्स भी बनाए वो भी स्ट्रीम्स थी तो स्ट्रीम है क्या चीज़ लेटस टेक अ लोक एट द वेरियस थिंग्स वी कैन डू विद स्ट्रीम्स एंड देन ट्राई टू गेट अ प्रिसाइस डेफिनेशन ऑफ अ स्ट्रीम सी जो है उसके अंदर जो उसका इनपुट आउटपुट सिस्टम था उसके अंदर स्पेसिफ़िक फंक्शंस कुछ मौजूद थे स्कैन एफ और प्रिंट एफ़ ज़्यादातर इस्तेमाल होते थे और उसके अंदर हमें बताना पड़ता था कि ना किस किस्म का डेटा हम पढ़ रहे हैं और फिर किस वेरिएबल में उसको डालना है स्ट्रीम्स जो हैं वो सी प्लस प्लस का काउंटर पार्ट हैं यानी उसके जो प्रोवाइड करता है इनपुट आउटपुट सिस्टम सी प्लस प्लस के अंदर उनको हम स्ट्रीम्स कहते हैं स्ट्रीम है क्या चीज़ एज द नेम एम्प्लाइज इट इज़ अ स्ट्रीम ऑफ बाइट्स देखें बिगिनिंग से मैं आपको बताता गया हूँ कि जी इस वक्त आप इसको एक दरवाज़ा समझ लें ठीक है ना इट्स लाइक अ डोर थ्रू विच आर प्रोग्राम कैन कम्युनिकेट विद द आउटसाइड वर्ल्ड अगर हमने कोई डेटा इनपुट करना होता है कीबोर्ड से तो हम सी इन की स्ट्रीम इस्तेमाल करते हैं वो कीबोर्ड को पढ़ के किसी वेरिएबल के अंदर डेटा स्टोर कर लेता है अगर हमने डेटा आउटपुट डिस्प्ले करना है स्क्रीन के ऊपर तो हम सी आउट की मदद लेते रहे हैं वो दरवाज़े का मतलब एग्ज़ाम्पल क्या बनता है थिंक ऑफ इट दिस वे आप बैठे हुए हैं क्लास के अंदर या ऑडिटोरियम के अंदर आप हमारा ये लेक्चर देख रहे हैं अगर मैं कहूं कि जी आप बाहर निकलें क्लास से बाहर आ जाएं, तो हाउ वुड यू डू इट यू वुड गेट अप फ्रॉम योर सीट्स यू वुड वॉक टू द डोर बट यू कैन सी कि जी सारे एक वक्त में दरवाजे से बाहर नहीं निकल सकते सो so आप एक एक करके दरवाजे से बाहर निकलेंगे या काउंटर पार्ट अगर आपने कमरे में दाखिल होना हो तो एक एक करके दाखिल होंगे और फिर उसके अंदर जो भी सीटें लगी उनके ऊपर आप बैठ जाते हैं सो इन अ वे यू आर ऑलरेडी फॉर्मिंग अ सीक्वेंस ऑफ पीपल इन दिस केस स्ट्रीम जो है इट इज़ अ सीक्वेंस ऑफ बाइट्स इट इज़ एन ऑर्डर्ड सीक्वेंस ऑर्डर्ड सीक्वेंस दरवाजे के साथ फिर आप इसका एग्जाम्पल कंपेयर कर लें कि जो शख्स दरवाजे में दाखिल होता है वही दरवाजे से पहले बाहर निकलेगा जो उसके पीछे दाखिल होगा वो उसके बाद दरवाजे में से बाहर निकलेगा सो so स्ट्रीम्स भी जो हैं वो ऑर्डर्ड सीक्वेंस है जो चीज़ पहले स्ट्रीम के अंदर दाखिल होगी वही दूसरी साइड पे पहले निकलेगी सो यू शुड थिंक ऑफ अ स्ट्रीम एज एन ऑर्डर्ड सीक्वेंस ऑफ बाइट्स अब बाइट्स की हम बात करते हैं कि जी दि इज़ अ यूनिट ऑफ मेजर और हमने पीछे ये भी डिस्कस किया था कि जी एक बाइट जो है वो रफली एक कैरेक्टर को स्टोर करने की सलाहियत रखती है सो वन ऑफ आर कैरेक्टर्स इज स्टोर्ड इन अ बाइट सो यू कैन थिंक ऑफ एन ऑर्डर्ड सीक्वेंस ऑफ बाइट्स being an ordered sequence of characters. Now, as human beings, हम तो English के अंदर keyboard के साथ communicate करते हैं अपने programs के साथ. So we are typing A B C zero one two. These are all characters. जब यही characters हमारे program के अंदर पहुँचते हैं, तो हम इनको store करते हैं किन्हीं variables के अंदर, किसी data types के अंदर. Maybe even in some of our objects. There is a conversion going on. हमने तो कीबोर्ड पे ए का कैरेक्टर टाइप किया अंदर ये एक कैरेक्टर वेरिएबल लेट अस से सी उसके अंदर स्टोर हो गया तो वो आपस में लिंक कैसे बना ये लिंक जो है ये सी इन की स्ट्रीम के साथ बन रहा है कि स्ट्रीम में आप समझ लें एक पाइप है या वही दरवाज़ा है कि एक तरफ से की से एक कैरेक्टर दाखिल हुआ दरमियान में उसकी कोई कन्वर्जन हो गई है कन्वर्जन हुई है इन द इंटरनल बाइनरी रिप्रजेंटेशन ऑफ द कैरेक्टर विच इज़ देन स्टोरड इन द कैरेक्टर वेरिएबल जिसको हमने नाम सी दिया हुआ है सो देर इज एन इम्प्लिसड कन्वर्जन हैपनिंग द सेम थिंगपन्स अगर मेरे पास एक इंटीजर आई है और मैं कीबोर्ड से वन का नंबर दबाता हूँ तो वन का जो डिजिट है वो एज अ के कैरेक्टर ट्रेवल करता है लेकिन अंदर जाके एज अ नंबर स्टोर हो जाता है ना यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट दिस कॉन्सेप्ट देखिए वेन वी स्पोक अबाउट द एस की टेबल उस वक्त भी हमने बात की थी कि कीबोर्ड के ऊपर की अल्फ़ाबेट भी है सिंबल्स भी हैं ग्रेटर देन लेस देन प्लस माइनस डिवाइड एट्सेट्रा और नंबर्स भी हैं जीरो वन टू बल्कि नंबर्स तो कीबोर्ड पे दो जगहों पे आते हैं आप देखेंगे एक ऊपर वाली रो है और एक राइट साइड के ऊपर की पैड भी बना हुआ है कैलकुलेटर की तरह उस पर भी नंबर्स लिखे हुए जब आप एक नंबर की की दबाते हैं की बोर्ड तो क्या कंप्यूटर में एक नंबर जाता है या एक जनरल सेंस के अंदर कैरेक्टर जाता है क्या ख्याल है द आंसर इज दैट वेन यू प्रेस अ की ऑन द कीबोर्ड अ कैरेक्टर सीक्वेंस इज जनरेटेड विच गोज इन टू द कंप्यूटर ना वेन आई से अ कैरेक्टर सीक्वेंस आई डोंट मीन अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स वॉट आई मीन इज के कोई कोड जो है वो कंप्यूटर के अंदर ट्रैवल करता है जब हम कोई की दबाते हैं की बोर्ड पर यह कोड वही है जो हमने बात की थी एस की कोड की सो इट इज़ अ बाइंडरी रिप्रजेंटेशन ऑफ अ कैरेक्टर अब ए का भी एक बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है बी के लिए भी एक बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है इसी तरीके से ज़ीरो वन टू वगैरह के लिए भी एक बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है ये नहीं मतलब कि जो वन की फॉर एग्जांपल बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है उसकी न्यूमेरिक वैल्यू भी वन होगी नो no. उसकी अगर एस की टेबल देखें और अगर आपने वो प्रोग्राम लिखा था यू विल फाइंड कि जी वन की तो कोई स्पेशल बाइनरी वैल्यू है विच रिप्रजेंट द कैरेक्टर वन एंड सो ऑन फॉर टू थ्री फोर और जीरो एनी नंबर ऑन द की बोर्ड वन यू प्रेस द की उसकी अपनी एस की रिप्रजेंटेशन इन अ बाइनरी कोड ये कंप्यूटर के अंदर जाती है लेकिन अगर हम स्ट्रीम ऑपरेटर यानी सी इन को कहें कि जनाब कीबोर्ड को पढ़ के जो नंबर टाइप किया जा रहा है उसको एक इंटीजर वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दो तो उसकी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन को भूल जाता है और उसकी वैल्यू को स्टोर किया जाता है सो सी इन इज़ परफॉर्मिंग दिस ट्रांसफॉर्मिंग ऑपरेशन सो इज टेकिंग कर कैरेक्टर एस की कोड

इफ़ एन एर अकर्ड लेट एस लुक एट दिस कलेक्शन ऑफ क्लासेज विच इज़ द इनपुट एंड आउटपुट क्लासेस ये ऑब्जेक्ट्स हैं इनके मैथड्स भी हैं यानी इनके फंक्शन भी हैं और ये जो कलेक्टिव ऑपर मतलब है कलेक्शन ऑफ क्लासेज एंड देयर फंक्शन एंड मैथड्स इसको सी प्लस प्लस में हम स्ट्रीम इन पुुट आउटपुट कहते हैं जो मोस्ट कॉमन दो चीज़ें हम अब तक इस्तेमाल करते आए हैं वो है सी इन इनपुट हासिल करने के लिए कीबोर्ड से और सी आउट स्क्रीन के ऊपर कोई चीज़ डिस्प्ले करने के लिए सो वन इज एन इनपुट स्ट्रीम एंड द अदर वन इज़ एन आउटपुट स्ट्रीम सिंस वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन दिस कोर्स आई विल नॉट शो यू द हर की थ्रू विच दीज क्लासेज आर डिराइव्ड क्योंकि ये डिराइव होती हैं लेकिन फॉर द मोमेंट आपको इतना ही जानना काफ़ी है कि हमारे पास इनपुट स्ट्रीम के भी कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं फॉर एग्जांपल सी इन और आउटपुट स्ट्रीम्स के भी कोई ऑब्जेक्ट्स होते हैं फॉर एग्जांपल सी आउट क्योंकि ये ऑब्जेक्ट्स हैं तो इनके मेंबर फंक्शंस भी होते हैं उनको हम कॉल कर सकते हैं उसके बाद इनके ऑपरेटर्स भी हैं जो हम कॉमनली इस्तेमाल करते आए हैं वो डबल ग्रेटर दैन साइन और डबल लेस दैन साइन इन दिस केस जो पहले बात की थी और अब आप रियलाइज़ कर चुके होंगे अब तक ये ऑपरेटर्स हैविली ओवरलोडेड हैं ना वॉट डवरलोडिंग ऑफ दिज ऑपरेटर्स मीन वॉट इट इज कि अगर मैं सी इन को कहूँ कि दी सी इन ग्रेटर दैन ग्रेटर दैन आई और आई जो है वो एक इंटीजर वेरिएबल है तो ऑटोमेटिकली सी इन विल टेक अ कैरेक्टर एस की कोड फ्रॉम द कीबोर्ड कन्वर्ट इट इन टू अ नंबर एंड स्टोर इट इंटू द इंटीजर वेरिएबल ऑन द अदर हैंड अगर मैं कहूँ कि सी इन ग्रेटर दैन ग्रेटर देन सी

उसके लिए कैसा बिहेवियर होना चाहिए क्या कन्वर्जन चाहिए यानी फ्लोट के अंदर डेसिमल पॉइंट भी आ जाता है तो वो डेसिमल पॉइंट को भी ट्रीट करेगा और कन्वर्ट करके एक फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल के अंदर स्टोर करेगा उसके बाद अगर आप उसको एक चार पॉइंटर दे देते हैं यानी स्ट्रिंग दे देते हैं तो अब स्ट्रिंग पढ़ने की भी सलाहियत इसी ग्रेटर दैन ग्रेटर दैन ऑपरेटर के साथ एसोसिएटेड है ना ऑबियसली वन ऑपरेटर परफॉर्म ऑल ऑफ दिज फंक्शंस हमें यही लगता है कि हम एक ही ऑपरेटर इस्तेमाल कर रहे हैं इंटरनली ये ऑपरेटर ओवरलोडेड है इंटीजर के लिए और है फ्लोट के लिए और है कैरेक्टर के लिए और है स्ट्रिंग के लिए और है लेकिन हमारा इस्तेमाल जो है वो ऑपरेटर ओवरलोडिंग के थ्रू बहुत इजी हो जाता है हम सिंपली लिखते हैं सी इन ग्रेटर देन ग्रेटर देन आई सो इट्स क्वाइट नाइस एंड सिंपल साथ स्ट्रीम के जो है उसके एक और डेफिनेशन भी देख लें जैसे अगर हमने दरवाजे का जिक्र किया या उसको पाइप एक समझ लें कि जी एक ट्यूब है कनेक्टिंग टू थिंग्स तो ये टू थिंग्स क्या हैं हर स्ट्रीम के लिए कोई ना कोई सोर्स होगा और ना कोई ना कोई डेस्टिनेशन होगी आप अगर सी इन को ले लें इनपुट स्ट्रीम है इसका सोर्स जो है वो नॉर्मली कीबोर्ड होता है और इसकी आउटपुट जो डेस्टिनेशन जिसको हम कह रहे हैं सी इन के लिए डेस्टिनेशन साइड वो डेस्टिनेशन कुड बी एन ऑर्डनरी वेरिएबल विच मीनस नेटिव डेटा टाइप का वेरिएबल इट कुड भी एन एरिया इन मेमरी इट कुड भी वन ऑफ आर ओन डेटा टाइप्स मतलब ऑब्जेक्ट्स अगर हमने ओवरलोड किया हुआ है एंड सो ऑन सो ऑलवेज अ सोर्स एंड देर अ डेस्टिनेशन अगर सी आउट को ले लें तो सी आउट जो है दैट इज द आउटपुट हमारे पास स्ट्रीम ये डेटा अंदर से लेके इन ह्यूमन रीडेबल फॉर्म हमें प्रेजेंट करती है यहाँ पे अगेन द सोर्स कुड बी अ फाइल और अ रीजन इन मेमरी और द प्रोसेसर और अ सिंपल वेरिएबल और आर ओन ऑब्जेक्ट अ डेटा टाइप और ये इसका सोर्स हो जाएगा सी आउट के लिए और डेस्टिनेशन नॉर्मली उसके लिए स्क्रीन होती है द डेस्टिनेशन ऑफ कोर्स यू कैन थिंक ऑफ कि जी प्रिंटर भी हो सकता है स्क्रीन भी हो सकता है फाइल भी हो सकती है एंड सो ऑन बट वी लुकड एट फाइल इनपुट आउटपुट सो यू नो दैट एरिया इन मेमरी जब मैं कहता हूँ दैट मीन्स इट कुड बी एन एरे दैट यू रीडिंग और राइटिंग और इट कुड बी अ कैरेक्टर स्ट्रिंग विच इट सेल्फ इज एन एरिया इन मेमरी सो एवरी स्ट्रीम हैज एन एसोसिएटेड सोर्स एंड डेस्टिनेशन उसके बाद एक स्ट्रीम के साथ कॉन्सेप्ट आता है स्टेट का यानी स्ट्रीम इस वक्त किस हाल में है अब ये हाल वाली बात कहाँ से आ गई देखें हम स्ट्रीम को कहते हैं सी इन ग्रेटर देन ग्रेटर देन आई और आई है इंटिजर और वहाँ पे हम इनपुट देने जाते हैं तो वहाँ ए डाल के एंटर दबा देते हैं तो स्ट्रीम नोज़ कि जनाब ये कोई बैड इनपुट आई है सो इट इज़ केपेबल ऑफ सिग्नलिंग और सेटिंग सेइंग से जी मेरे साथ कोई अच्छी चीज़ नहीं हुई सो फ्रॉम अ प्रोग्राम वी कैन ऑलवेज टेस्ट कि स्ट्रीम की स्टेट ठीक है या कोई प्रॉब्लम हुआ था ये मैं इस वास्ते बात कर रहा हूँ कि हमारे प्रोग्रामिंग के अंदर वी शुड डू ऑल काइंड ऑफ एरर चेकिंग डिबर्गिंग एरर हैंडलिंग वी डोंट वॉन्ट टू मैनिपुलेट बैड डेटा सो हर जगह पर यू शुड ऑलवेज बी चेकिंग फॉर एग्जाम्पल अगर एक सिंपल सा आप प्रोग्राम लिखें आप कहें ये प्रोग्राम है जो कि दो इंटीजर्स पढ़ता है कीबोर्ड से और एक को दूसरे से डिवाइड करके आंसर दे देता है सो यू कुड से समथिंग लाइक इंट आई कॉमा जे सी इन ग्रेटर देन ग्रेटर देन आई ग्रेटर देन ग्रेटर देन जे दोनों पढ़े गए सी आउट लेस देन लेस देन आई स्लैश जे यानी आई डिवाइडेड बाय जे नाउ अगर प्रॉब्लम की डेफिनेशन इतनी ही थी कि जनाब प्रिंट द रेशियो ऑफ दीज टू इंटीजर्स और उसको जो भी इंटीजर डिवीजन हो रही है वॉटवर This would be all right; it would work. But what happened? If user, you had j, co zero, enter, kar de, you don't want a divide by zero because even the computer does not know how to do it. When you have that, your program will probably throw an exception or an error and halt. But if you program, under, this error ko trap, kar late, it would be much nicer. You would have said, if j is not zero, i.e., j is greater than zero or less than zero, so then i over j print, karo. सो एर हैंडलिंग एंड चेकिंग इज़ ऑलवेज इम्पॉर्टेंट द सेम थिंग अप्लाइज टू इनपुट आउटपुट स्ट्रीम्स जब आप कोई इनपुट या आउटपुट ऑपरेशन करते हैं गुड प्रोग्रामिंग वुड इंडिकेट कि जी आप चेक भी करें कि ये रीड या राइट ऑपरेशन जो है ये करेक्टली परफॉर्म हो सका है या इसके परफॉर्मेंस के अंदर कोई एरर आया है उसके लिए आप जो आउट जो भी स्ट्रीम इस्तेमाल कर रहे हैं इनपुट स्ट्रीम हो या आउटपुट स्ट्रीम हो उसकी आप स्टेट चेक कर सकते हैं सो यू कैन ऑलवेज़ चेक

बट यू नो कभी आपने कंप्यूटर प्रिंट आउट्स तो देखे होंगे इतना सिंपल कोई भी प्रिंट आउट नहीं करता कि जी जहाँ पे दिल किया वहाँ पे नंबर लिखा जाए फॉर एग्ज़ाम्पल आप अपने बिजली का बिल देख लें या गैस का बिल देख लें तो आपको पता है कि बिल जो है वो कागज़ तो पहले से प्रिंट हुआ हुआ है उसके अंदर खाने बने हुए हैं और खानों के अंदर कंप्यूटर ने नंबर सही जगह पे प्रिंट किए हुए हैं कभी कभी आपको लगेगा कि जी बिल की प्रिंटिंग गलत हुई है लेकिन वो कंप्यूटर की गलती नहीं है वो कागज़ जो प्रिंटर में चढ़ाया गया है वो आगे पीछे हो जाता है तो नंबर्स ऊपर नीचे हो जाते हैं बट द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज़ यू वॉन्ट टू फॉर्मेट द आउटपुट इन सच अ वे दैट द नंबर्स आर प्लेस्ड करेक्टली एट द करेक्ट पोजिशन ऑन द पेपर और ऑन द स्क्रीन फॉर दैट मैटर आप एक मेट्रिक्स दिखाना चाहते हैं स्क्रीन के ऊपर आप चाहेंगे कि जी पहले कॉलम के नंबर्स ऊपर नीचे एक सही कॉलम के अंदर नज़र आए दूसरा कॉलम भी एग्जैक्टली exactly ऊपर नीचे नजर आए एंड सो ऑन यू नीड टू फॉर्मेट एट दीज थिंग्स अगर आप वर्ड प्रोसेसिंग करें आपको पता है कि जी आप पैराग्राफ टाइप करते हैं तो लेफ़्ट मार्जिन तो हमेशा अलाइंट होता है सब चीज़ें लेफ़्ट पे लगी होती हैं लेकिन राइट right मार्जिन जो है वो रेगिड होता है कहीं पे लंबा लफ्स आ गया कहीं पे छोटा आ गया तो वो मार्जिन सीधा नहीं होता लेकिन अगर आप वर्ड प्रोसेसर इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके अंदर पैराग्राफ जस्टिफिकेशन का एक बटन पड़ा होता है या कि एक मेन्यू चॉइस होती है आप चाहें तो पैराग्राफ को जस्टिफाई कर लें विच मीन उसका लेफ्ट मार्जिन एंड राइट मार्जिन दोनों जो हैं वो बिल्कुल सीधे हो जाते हैं बाय एडजस्टिंग द स्पेस बिटवीन द वर्ड्स ना वॉट हैपन्स अगर आप सी आउट के साथ कैरेक्टर स्ट्रिंग लिखना चाहें और उसको भी चाहें कि जी वो या इधर लगी हो या उस मार्जिन के साथ लगी हो दिस इज़ वॉट वी कॉल्ड फॉर्मेटिंग द आउटपुट आप एक नंबर है पाए है उसकी वैल्यू प्रिंट करना चाहते हैं एक वेरिएबल है इनसाइड योर प्रोग्राम उसमें पाए की वैल्यू स्टोर्ड है थ्री पॉइंट वन फोर वन फाइव नाइन टू सिक्स और वट एवर आप चाहते हैं कि जब प्रिंट हो तो ये प्रिंट हो 3.142। सो so, इसके लिए भी कोई फॉर्मेटिंग का तरीका होगा और है यानी इंटरनल रिप्रेजेंटेशन कोड बी डिफरेंट एज कंपेयर टू द प्रेजेंटेड रिप्रेजेंटेशन विच वी रीड एज ह्यूमन बीइंग्स। सो वी कैन डू अ लॉट ऑफ फॉर्मेटिंग विद दीज स्ट्रीम्स। अदर देन दैट इनके साथ मेम्बर फंक्शन आ जाते हैं लेटस्ट टेक लुकेट सी इन के मेम्बर फंक्शन क्या हैं अभी तक तो हम ऑपरेटर इस्तेमाल करते रहे ना सी इन ग्रेटर दैन ग्रेटर दैन लेकिन आप गेट भी कर सकते हैं यू कुड राइट सी इन डॉट गेट सो अभी आपको आइडिया है आप ऑब्जेक्ट्स बना चुके हैं अपनी क्लासेस लिख चुके हैं ये नोटेशन ही बता रही है कि सी इन तो ऑब्जेक्ट होगा सो ई सी इन इज़ एन ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप इनपुट स्ट्रीम आई स्ट्रीम सो सी इन डॉट गेट मीन्स गेट इज़ अ मेम्बर फंक्शन ऑफ द सी इन ऑब्जेक्ट विच इज़ ऑफ अ सर्टन क्लास एंड ये मेम्बर फंक्शन क्या करता है वेल well, आपने फाइल इनपुट आउटपुट में गेट इस्तेमाल किया होगा सो इट रीड्स अ कैरेक्टर फ्रॉम द की इन दिस केस क्योंकि सी इन है जो ऑब्जेक्ट इसको कॉल कर रहा है सो so वो कीबोर्ड से एक कैरेक्टर पढ़ के रिटर्न करता है सी इन डॉट गेट के साथ के भी हमारे पास दो वेरियंट्स हैं एक तो है सी इन डॉट गेट विल रिटर्न अ कैरेक्टर सो यू कैन राइट समथिंग लाइक सी इक्वल्स सी इन डॉट गेट विद एम्प्टी टी पर दूसरा तरीका जो है वो है सी इन डॉट गेट और परंथिस के अंदर आप लिखते हैं कैरेक्टर वेरिएबल सो इट इज़ वन कैरेक्टर एट अ टाइम दिस इज वर्किंग विद कैरेक्टर्स इट्स नॉट अ नंबर इट इज़ नॉट अ स्ट्रिंग इट इज़ वन कैरेक्टर एट अ टाइम सो कैरेक्टर डेटा की बात हो रही है सी इन जो है वो रीड भी कर सकता है सो so देखें अब ये तीसरी चीज़ आ गई पहले था सी इन ग्रेटर देन ग्रेटर देन विच इज़ द ऑपरेटर वर्जन ऑफ द यूज ऑफ सी इन इनपुट स्ट्रीम को हम ऑपरेटर के साथ कैसे इस्तेमाल करते हैं दूसरा था सी इन डॉट गेट दिस वॉज अ फंक्शन बींग यूज विद द इनपुट स्ट्रीम तीसरा है सी इन डॉट रीड यह भी फंक्शन है बट रीड जो है वह बजाय एक कैरेक्टर के आपको बफर दे देता है सो यू कैन पॉइंट टू अ बफ़र फिर बता दें कितने कैरेक्टर्स पढ़ने हैं सी एन इज़ एन ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप इनपुट स्ट्रीम सो बेसिकली अगर हम अपना कोई ऑब्जेक्ट बनाएं ऑफ टाइप आइस स्ट्रीम उसको भी ये फंक्शंस मिल जाएंगे क्योंकि एक ही क्लास से वो डिराइव हो रहा है बट आई डोंट वांट टू गेट इनटू टू द डेरीवेशन पार्ट बट यू शुड अंडरस्टैंड दैट दर मेनी मेथड्स एंड ऑपरेटर्स एसोसिएटेड विद सी इन द सेम थिंग अप्लाइज टू सी आउट सी आउट हमारी आउटपुट स्ट्रीम है यानी कंप्यूटर के अंदर से जो डेटा है उसको इनमन रीडेबल फॉर्म यूजअली प्रजेंट करना है तो सी आउट के साथ जो ऑपरेटर एसोसिएटेड है वो है स्ट्रीम इंसर्शन यानी स्ट्रीम में इंसर्ट करो तो स्ट्रीम जो है वो आगे जाके स्क्रीन पे यूजुअली दिखा देती है आउटपुट और वो है डबल लेस देन साइन सो सी आउट के साथ ऑपरेटर इज़ डबल लेस देन और फिर जो भी हम डेटा वेरिएबल का नाम देते हैं उसकी वैल्यू प्रिंट हो जाती है सो देर इज़ अगेन अ कन्वर्जन गोइंग ऑन और अगर हम चाहें यहाँ पर हम फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं तो फॉर्मेटिंग भी साथ हो जाती है सी आउट के साथ राइट आ जाता है सी इन के साथ रीड था सी आउट के साथ राइट आ जाता है फंक्शन अगर एक बफर पूरा का पूरा चंक लेके आप लिखना चाहें और सी इन के साथ जो था वो गेट था तो सी आउट के साथ पुट आ जाता है विच इज़ फॉर सिंगल कैरेक्टर यूजेज सो यू कैन राइट सी आउट डॉट पुट एंड अ कैरेक्टर वेरिएबल वो कैरेक्टर वेरिएबल के अंदर जो डेटा इस वक्त पड़ा हुआ है वो स्क्रीन के ऊपर प्रिंट हो जाएगा Basic thing I'm trying to tell you is let's recap a little bit. Streams are they are nothing but an ordered sequence of bytes. They allow data to move from one part of the computer to another part, which may be the screen or the keyboard, from and to, or from memory or files on disk, and so on and so forth. But basically, though, a source or a destination to connect to each other a byte stream. This is C++'s input-output system. ये जो बाइट स्ट्रीम्स हैं ये इम्प्लीमेंट की गई हैं एज ऑब्जेक्ट्स सिंस दे आर ऑब्जेक्ट्स दे डू हैव देयर ओन मेंबर फंक्शंस दे डू हैव देयर ओन मेंबर ऑपरेटर्स द मेंबर ऑपरेटर्स आर हैविल ओवरलोडेड टू अलाउ दी स्ट्रीम्स टू हैंडल अ वराइटी ऑफ डेटा टाइप्स इंटेजस फ्लोट्स कैरेक्टर्स स्ट्रिंग्स सो ऑन एंड आर ओन फॉर आर ओन ऑफ कोर्स हमें ओवरलोड करके ऑपरेटर्स लिखने पड़ेंगे बट नेटिव डेटा टाइप्स को के बारे में इन स्ट्रीम्स को ऑलरेडी पता है दोनों स्ट्रीम्स की स्टेट्स हैं सो वी कैन ऑलवेज चेक कि इस वक्त स्ट्रीम का हाल क्या है ठीक चल रही है पिछला ऑपरेशन जो था वो ठीक चला था या कोई एरर हुआ था एंड इट्स अ गुड आइडिया टू बिल्ड इन एरर चेकिंग आपने देखा होगा कि हमने कई दफ़ा वाइल्ड लूप के अंदर नंबर्स पढ़ने के लिए हमने कह दिया थे वाइल सी एन डॉट सम इज नॉट इक्वल टू एंड ऑफ फाइल या फाइल रीड के साथ हमने एंड ऑफ फाइल इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था That is always. Uh, that is also a way of looking at the state of the stream. By file, khatam ho gaie, jo to a flag set ho jata hai. Flags ke baare mein hum baat mein baat karenge, phir manipulators bhi for the moment, it's important to understand source, destination. There's a concept of a state, and there's a concept of a conversion of data from a human represent, a readable representation, to an internal representation. जब हम ये इनपुट आउटपुट स्ट्रीम्स इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो आपको याद होगा कि हमने कुछ फाइलें हमें इंक्लूड करना पड़ती हैं इनको नहीं आपको भूलना चाहिए जब भी हम सी एन सी आउट इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम ऊपर आईओ स्ट्रीम डॉट एच को इंक्लूड करते हैं दैट इज़ द इनपुट आउटपुट स्ट्रीम की हेड फाइल उसके अंदर ये सारी क्लासेज और ऑब्जेक्ट्स डिफाइंड हैं और अब आप के पास इतना नॉलेज है कि अब आप इस फाइल को खोल के देख सकते हैं इट लुक कॉम्प्लिकेटेड लेकिन अगर आप गौर से चाहें तो पढ़ते जाएं तो समझ भी आ जाती है इन फाइलों की कि जना कौन सी ऑब्जेक्ट है कौन सा मेथड है कौन सा फंक्शन है क्या प्रोटोटाइप है ये चीज़ें इन फाइलों के अंदर डिफाइंड हैं अगर आप फाइल इनपुट आउटपुट करना चाहते हैं तो आपको एफ स्ट्रीम डॉट एच जो है फाइल स्ट्रीम वाली फ़ाइल वो इंक्लूड करना पड़ती है और उसके ज़रिए आप अपनी स्ट्रीम डिक्लेयर कर सकते हैं इनपुट स्ट्रीम के लिए आई एफ स्ट्रीम यानी फ़ाइल से हम पढ़ेंगे और इनपुट करेंगे तो आई एफ स्ट्रीम के ऑब्जेक्ट्स हम बना सकते हैं आउटपुट के लिए ओ एफ स्ट्रीम और फिर अगर इनपुट आउटपुट करना हो तो एफ स्ट्रीम ये जो है ये हम इस्तेमाल करते हैं लेकिन इसके लिए हेडर फाइल इंक्लूड करना लाजमी है साथ ही मैंने बात की फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट की वो आज तक हमने कोई की नहीं होपफुली आपने ख़ुद पढ़ लिया होगा और अभी तक कुछ प्रैक्टिस भी कर चुके होंगे बट फॉर द मोमेंट इसको देखें स्ट्रीम को किसी तरीके से हम मैनिपुलेट कर रहे हैं कि जी मैंने नंबर तो डाला है टेन लेकिन मैं चाहता हूँ दूसरी तरफ जब निकले तो लिखा हो वन ज़ीरो पॉइंट जीरो ज़ीरो टेन पॉइंट ज़ीरो ज़ीरो लिखा है सो हम स्ट्रीम को मैनिपुलेट करना चाह रहे हैं इसके साथ इसको हम सारा कहते ही फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट को स्ट्रीम मैनिपुलेशन है और इसके लिए हमारे पास फंक्शंस भी हैं और ऑपरेटर्स भी हैं उनकी हम बात करेंगे लेकिन उसको मैनिपुलेट करने के लिए एक और हेडर फाइल है जो हमारे प्रोग्राम में इंक्लूड करनी चाहिए वो है आईओ मैनेप डॉट एच आई ओ इनपुट आउटपुट मैनेप शॉर्ट फॉर मैनिपुलेट एम ए एन आई पी सो आई ओ मैनप डॉट एच ये भी आपको इनकलूड करनी पड़ेगी अगर आप इनको मैनिपोलेट करना चाहते हैं स्ट्रीम्स को फॉर फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट नाव लेट्स टेक अ लुक एट सी इन एन सी आउट एंड अदर वंस कौन सी ऐसी स्ट्रीम्स हैं जो कि स्टैंडर्ड हमारे प्रोग्राम को प्रोवाइड की जाती हैं जब भी आप सी प्लस प्लस का प्रोग्राम लिखते हैं और फिर हम उसके अंदर आईओ स्ट्रीम शामिल कर लेते हैं तो हमारे पास सी इन जो है वो रीडिंग के लिए एक स्ट्रीम मिल जाती है हमें दिस अ बिल्ट इन थिंग हमें उसके लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं है ये ऑब्जेक्ट हम इस्तेमाल कर सकते हैं इसी तरह सी आउट मिल जाता है फॉर आउटपुट लेकिन कुछ और स्ट्रीम्स भी हमें मिलती हैं बाय डिफॉल्ट एक स्ट्रीम है सी एरर सी ई आर आर उसका नाम है पढ़ा जाता है सी एरर एक और स्ट्रीम है सी लॉग सी एल ओ जी और उसको हम सी लॉग प्रोनाउंस करते हैं ये स्ट्रीम्स क्या हैं इसके लिए थोड़ा सा मुझे बात करनी पड़ेगी बफर्ड इनपुट आउटपुट सिस्टम की मैंने कुछ लेक्चर्स पहले ये बात की थी कि देखें हमारा जो कंप्यूटर है उसके अंदर ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो तो इलेक्ट्रॉनिक हैं यानी चिप्स मेमोरी माइक्रो प्रोसेसर ये सारी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हैं लेकिन डिस्क भी कोई चीज़ है विच इज़ एलेक्ट्रो मकैनिकल फॉर दैट मैटर द कीबोर्ड बोर्ड इज़ अलेक्ट्रो मैकेल यानी एक स्विच लगा हुआ है उसको हम दबाते हैं मकैनिक्स कुछ करती हैं और फिर कुछ बिजली के सिग्नल्स आगे जाते हैं पॉइंट इज द इलेक्ट्रो मैकेनिकल पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर आर नॉर्मली वेरी वेरी स्लो एज कंपेयर टू द इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स सो देर इज अ स्पीड डिफरेंस बिटवीन द टू दूसरी चीज़ यह है कि जी एवरी इनपुट आउटपुट ऑपरेशन जो है इट कॉस्ट्स कॉस्ट वॉट कॉस्ट कंप्यूटर टाइम सो अगर टाइम इज मनी दैन इट कॉस्ट कम्प्यूटर मनी ये जो है चीज़ के जी इनपुट आउटपुट ऑपरेशन का खर्चा आता है और फिर इनपुट आउटपुट डिवाइस आर स्लो यानी की बोर्ड भी स्लो है फॉर देट मैटर स्क्रीन भी स्लो है और अगर हम चाहें कि जो आउटपुट है उसको डिस्क पर लिख दिया जाए तो डिस्क भी बहुत स्लो है एज कम्पेयर टू द स्पीड ऑफ द माइक्रो प्रोसेसर एंड द मेमरी इट इज़ यूजिंग इसके लिए हम एक मेकनिज़म इस्तेमाल करते हैं वह है बफर्ड इनपुट आउटपुट का नाव वट डज़ बफर्ड इनपुट आउटपुट मीन मीन्स कि अगर मैंने मेरा एक प्रोग्राम है वो छोटी सी एक लूप चलाता है और लूप के अंदर हम हर दफ़ा लूप से जब गुजरते हैं तो एक नंबर आउटपुट कर देते हैं यदि वो एक नंबर मैं चाहता हूँ कि फ़ाइल जो है किसी डिस्क के ऊपर लिखती लिख, लिखा जाए फाइल के अंदर पहले एक नंबर आए फिर दूसरा आए फिर तीसरा आए तो अगर तो हम ये करना करना करने की कोशिश करें कि जना हर दफ़ा लूप में से जब गुजरें तो डिस्क के ऊपर एक नंबर लिख तो इट इज़ हॉरेंडसली वेस्टफुल ऑफ कंप्यूटर टाइम बिकॉज द डिस्क इज़ एन इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस मैंने भी कई दफ़ा बात की थी आपसे कि जी डिस्क पे कोई डेटा इकट्ठा करके एक दफ़ा लिख दिया जाए तो वो मकैनिकली तो एक दफ़ा मूवमेंट होगी यानी डिस्क घूम रही है हेड्स मूव करेंगे द हेड्स विल मूव मकैनिकली वंस टू अ पॉइंट एंड द होल चंक ऑफ डेटा विल बी रिटर्न ऑन टू डिस्क इट्स अ मच मोर एफिशंट वे ऑफ यूजिंग द डिस्क सो वेन एवर वी हैव अ प्रोग्राम दैट इज़ ट्राइंग टू आउटपुट डेटा टू डिस्क, इट वुड बी नाइस अगर हम बजाय एक एक करके नंबर डिस्क पे लिखते जाएं, पहले नंबर्स किसी जगह पे हम इकट्ठे कर लें जब काफ़ी हो जाएं, तो उस वक्त एक राइट ऑपरेशन के साथ डिस्क पे वो लिख दें ये जो एरिया है जिस पर हम नंबर्स इकट्ठे करते हैं इसको हम बफर कहते हैं और ये जो है एग्ज़ाम्पल है बफर्ड आउटपुट का यानी आउटपुट डायरेक्टली डेस्क पर नहीं पहले बफर में इकट्ठी होती रही जब बफर में काफ़ी सारी चीज़ें इकट्ठी हो गई तो वो जाके हमने डिस्क के ऊपर लिख दिया नाउ थिंक ऑफ एन अधर सिचुएशन हमारे पास प्रोग्राम है जो कि लंबी चौड़ी गंभीर किस्म की कैलकुलेशन करता है इतना कॉम्प्लेक्स है कि जी वही जो इसकी लूप थी वो बजाय एक मिनट चलने के मतलब या एक माइक्रो सेकेंड में लूप चलने के शायद वो एक मिनट में एक लूप चले इतनी ज़्यादा कैलकुलेशन है उसके अंदर लेकिन कहीं ना कहीं कोई एरर भी आ सकता है या हम देखना चाहते हैं कि जी कितनी लूप्स चल गई हैं मेरे साथ ये हो चुका है सो मैं आपको एग्जांपल अपने प्रोग्राम का देता हूँ कि जी लूप्स तो उसने चलानी थी हज़ारों और हर लूप के अंदर कुछ डेटा जो है उसने आउटपुट भी करना था जो मैंने फ़ाइल में सेव करना था लेकिन मैं साथ साथ ये भी चाहता था कि मुझे नज़र भी आ जाए कि जी कितनी लूप्स चली हैं लेकिन वो लूप जो कितनी लूप्स चली हैं आई डेंट वॉन्ट दैट एज़ पार्ट ऑफ द फाइल सो so, पहला प्रॉब्लम आई नीड टू स्ट्रीम्स एक जो मुझे दिखाए एज अमूमन बीग कि जनाब ये प्रोग्राम कितनी दफ़ा लूप में से गुजर चुका है और दूसरी तरफ डेटा जो है वो डिस्क पे लिखा जाए सो so, एक तो मेरी ये रिक्वायरमेंट होगी दो स्ट्रीम्स की दूसरा मसला जो है वो थोड़ा सा समझने वाला है क्योंकि हमारे पास दो अपोजिंग रिक्वायरमेंट्स आ रही हैं इन स्ट्रीम्स के ऊपर एक स्ट्रीम जो जारी है डेटा डिस्क के ऊपर लिखने वो तो मैं चाहता हूँ कि जी कंप्यूटर रिसोर्स को वेस्ट ना करे कहीं पे डेटा इकट्ठा होता रहे और फिर जब काफ़ी हो गया है, तो डिस्क राइट ऑपरेशन यानी एक राइट ऑपरेशन में उस पर लिख दिया जाए दैट डेटा मे रिप्रजेंट एन आउटपुट ऑफ ट्वेंटी पासिस ऑफ द प्रोग्राम थ्रू द लूप यानी बीस दफ़ा लूप चली है तो इतना डेटा इकट्ठा हुआ है कि एक डिस्क राइट ऑपरेशन परफॉर्म हो गया दूसरी तरफ एज अ यूज़र मैंने प्रोग्राम चलाया हुआ है मैं चाहता हूं कि जो मुझे साथ, साथ पता चलता रहे कि जनाब कितनी लूप्स हो गई हैं अब देखें अगर जो मुझे उसने दिखाना है लूप काउंट स्क्रीन के ऊपर कि लूप वन लूप टू लूप थ्री वो भी डेटा बहुत छोटा छोटा है अगर ये वाला डेटा बफर होने लग पड़ा और वो उसने कहा जी स्क्रीन पे उस वक्त मैं भेजूंगा जब काफ़ी मेरे पास डेटा इकट्ठा हो जाएगा तो जब मैं प्रोग्राम चलाऊंगा क्या होगा एक तरफ जो डिस्क पे जाना है डेटा वो एक बफर में इकट्ठा हो रहा है जो स्क्रीन पे जाना है वो डेटा एक और बफर में इकट्ठा हो रहा है स्क्रीन पर क्या नज़र आ रहा है कुछ नहीं जब स्क्रीन वाला बफर उस पर अंदर काफ़ी डेटा आ जाएगा तो एकदम स्क्रीन के ऊपर ठक करके लूप वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स टू हंड्रेड एंड फिफ्टी सिक्स और वट एवर लूप नज़र आ जाएंगी ये चल पड़ी हैं अब मेरे वाला जो प्रोग्राम मैंने लिखा था वो बहुत गंभीर कैलकुलेशन थी इट यूज टू टेक ऑन द ऑर्डर ऑफ मिनट्स टू परफॉर्म वन लूप नन द लेस आई वॉन्टेड टू फाइंड आउट कि जी प्रोग्राम चल तो रहा है ये तो नहीं हुआ कंप्यूटर हैंग हुआ हुआ है मैं बड़े आराम से बैठा हुआ प्रोग्राम की कमांड दे दिया स्क्रीन पे कुछ नहीं आ रहा हाँ जी चल रहा होगा दो दिन गुजर गए कुछ नहीं आया स्क्रीन पे चल रहा होगा आई डोंट नो आई वांट टू नो एट एवरी लूप एक मिनट गुजर गया एक लूप चल गई है दो मिनट गुजर गए दूसरी लूप चल गई है सो आई नीड स्क्रीन के ऊपर अनबफर्ड आउटपुट यानी जब मेरा प्रोग्राम सी आउट के थ्रू कोई चीज़ डाले या कोई भी आउटपुट स्ट्रीम के अंदर चीज़ डाले वो स्क्रीन के ऊपर एकदम नजर आ जाए लेकिन मेरा ही प्रोग्राम दूसरी स्ट्रीम पे जब डिस्क पे लिखने जाए तो वो हर दफ़ा डिस्क पे लिखने की कोशिश ना करे विच इज़ अ स्लो एंड वेस्टफुल ऑपरेशन इट शुड ट्राई एंड कलेक्ट द डेटा इनटू अ बफर और जब बफर में काफ़ी काफ़ी डेटा हो गया उस वक्त जाके डिस्क पे एक दफ़ा लिख दिया जाए नाउ दीज रिक्वायरमेंट्स विच आर कॉन्ट्रोडिक्टी और अदर दे हैव डिफरेंट इशूज दे आर मेट फॉर आर सिस्टम विद द सी एर ऑब्जेक्ट सी आउट जो है वो बफर्ड आउटपुट है हमें नज़र नहीं आती बिकॉज हमारे कंपाइलर्स जो हैं आजकल बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं लेकिन अगर आप यूनिक सिस्टम पे ऊपर चले जाएं या कमांड लाइन प्रोग्रामिंग आपको आती हो इनपुट आउटपुट रीडायरेक्शन आता हो तो वी कैन एक्चुअली सी दिस इन ऑपरेशन एंड परहैप्स वी विल क्रिएट एन एग्जाम्पल फॉर यू टू अंडरस्टैंड दिस बट फॉर द मोमेंट लेट मी पॉइंट आउट कि सी आउट जो है वो बफर्ड आउटपुट है वो कुछ डेटा इकट्ठा करेगा और फिर स्क्रीन के ऊपर भेजेगा लेकिन सी एरर जो है वो अनबफर्ड आउटपुट है जैसे ही कोई चीज़ अपने सी एरर को दी उसने साथ ही स्क्रीन के ऊपर दिखा देनी है सो सी एरर इज़ एन आउटपुट स्ट्रीम इट्स एन ओ स्ट्रीम ऑब्जेक्ट लेकिन इट इज़ अनबफर्ड सो इट शोज़ डेटा इमीजिएटली सो आई कुड यूज समथिंग लाइक द सी एरर ऑब्जेक्ट तो के मुझे लूप मेरे दिखा दे कि कितनी लूप्स चली हैं एंड आई वुड यूज़ समथिंग लाइक द सी आउट ऑब्जेक्ट टू राइट ऑन टू डेस्क विच वुड बफर द आउटपुट तो उधर एफिशिएंसी मिल रही है इधर मुझे इन्फॉर्मेशन मिल रही है नॉर्मली हम सी एरर आउट सी एरर ऑब्जेक्ट जो है वो सी प्लस प्लस में एक्जैक्टली exactly इस काम के लिए इस्तेमाल करते हैं अगर हमें इमीडिएट इफॉमेसन चाहिए कि प्रोग्राम अभी कहाँ से गुजरा है इसके साथ साथ सी लॉग भी है सी लॉग जो है उसको स्टैंडर्ड लॉग कहते हैं कि जी जो प्रोग्राम की डिटेल्ड इंफॉर्मेशन है कि जी प्रोग्राम कहाँ से चल रहा है अगर हम वहाँ पे कोई चीज़ इन्फॉर्म मतलब इकट्ठी करना चाहें तो वो हम सी लॉग स्ट्रीम के थ्रू लिख देते हैं नॉर्मली जब ये प्रोग्राम हमारे चलते हैं तो सी आउट सी एरर और सी लॉग सब जो हैं वो स्क्रीन के साथ कनेक्टेड हैं लेकिन तरीके हैं कि इनको अलहदा अलहदा भी किया जा सके सी एरर की आउटपुट कहीं और चली जाए सी लॉग की कहीं और चली जाए सी आउट की कहीं और चली जाए बट दैट डिपेंड्स ऑन द ऑपरेटिंग सिस्टम अगर हम चाहें कि जनाब बफर्ड आउटपुट हो यानी अब सपोज़ कि एक बफर का हम साइज़ सेट कर लेते हैं हमारे पास फैसिलिटी नहीं है नॉर्मली जो ऑपरेटिंग सिस्टम स्पेसिफाई कर देता है या लैंग्वेज कंपाइलर स्पेसिफाई कर देता है लेकिन एक टिपिकल साइज़ जो है वो 512 बाइट्स का है कि जी 512 बाइट्स वर्थ ऑफ इंफॉर्मेशन जब इकट्ठी होगी उसके बाद आउटपुट होगी लेकिन हम बफर्ड इनपुट आउटपुट कर रहे हैं लेकिन प्रोग्राम में कोई ऐसी जगह पर पहुँच जाते हैं जहाँ हम कहते हैं कि भाई जो भी बफर में चीज़ें इस वक्त दिखा दो तो इज़ देर वे ऑफ डूइंग दैट द नॉर्मल मैके्लश सो वी फ्लश द स्ट्रीम से समझ लें कि जी बफर में चीज़ें इकट्ठी हो रही हमने फ्लश कमांड दी ने बफर सारे को खाली कर दिया जिधर जाना था डेटा यानी स्क्रीन पे यूज़ुअली, वो आ गया या फाइल में डालना था तो ठक करके फाइल पर लिखा गया अभी तक आपने देखा होगा कि सी आउट के साथ हम एक लाइन को ख़त्म करने के लिए दो मुख्तफ चीज़ें इस्तेमाल करते रहे हैं एक है न्यू लाइन कैरेक्टर जिसको हम या सिंगल कोर्स या डबल कोर्स के अंदर बैक स्लैश एन करके लिख लेते हैं वो क्या करता है कि जब स्क्रीन पे आउटपुट हम कर रहे हैं तो एक नई लाइन से नेक्स्ट लाइन शुरू हो जाएगी यानी द लेफ्ट मार्जिन ऑफ द नेक्स्ट लाइन ऑन द स्क्रीन न्यू लाइन इज जस्ट अ कैरेक्टर लेकिन दे वॉज एन अदर वन विच वॉज एंड एल ई एन डी एल सिंग सी आउट लेस लेस एंड एल सेमिकोलन तो आपको लगेगा कि वही हुआ है जो कि न्यू लाइन कैरेक्टर ने करना था यानी कर्सर नेक्स्ट लाइन के लेफ्ट मार्जिन में आ गया है लेकिन एंड एल कुछ और भी करता है वो एक्चुअली फ्लश भी कर देता है बफर को एज ए रिजल्ट वॉट यू डू इज वॉट हैपन इज कि सी आउट लगता है कि जी अनबर्ड है हर दफ़ा हमने लिखा तो सी आउट out की आउटपुट फॉरन स्क्रीन के ऊपर आ गई नाउ

और सी आउट out की आउटपुट जो है दैट इज़ मोर डिटेल्ड एंड दैट इज़ द एक्चुअल आउटपुट फ्रॉम द प्रोग्राम सो इवन सोर्स कोड के अंदर ना इन दो चीज़ों के फ़ायदे हैं सी इन के साथ ऐसा कोई मसला नहीं है सी इन इज़ द इनपुट ऑब्जेक्ट वो अकेला ही है बट आउटपुट के ऊपर हमारे पास सी आउट सी एरर सी लॉग उसके बाद दो और भी हैं लेकिन वो डॉस के ज़माने से डेट करते हैं जब ये डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम चला करते थे और विंडोज़ नहीं थी और कोई ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस नहीं था वहाँ पे सी ऑक्स भी था ऑगजिलरी सी ए यू एक्स दैट वॉज अनादर स्ट्रीम एंड सी पी आर एन शॉर्ट फॉर प्रिंटर देट वॉज येट अनदर स्ट्रीम सी प्रिंटर वॉज ऑल्सो एन आउटपुट स्ट्रीम गोइंग टू द प्रिंटर सी ऑक्स वॉज एन ऑगजिलरी इनपुट आउटपुट स्ट्रीम बट वो अब ज़्यादातर रेलिवेंट नहीं रहे ना लेटस टेक अ लुक एट समेटर्स एसोसिएटेड विद दिस स्ट्रीम्स हम इस्तेमाल तो करते हैं लेट्स से स्ट्रीम इंसर्शन ऑपरेटर यानी लेस देन लेस देन जो है जिसे हम सी आउट के थ्रू डेटा बाहर निकालते हैं वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ये ऑपरेटर इम्प्लीमेंट कैसे हुआ है अब हमारे पास इतना हम पढ़ चुके हैं अबाउट ऑपरेटर्स एंड ओवरलोडिंग कि हमें कुछ इस बात की समझ भी आ जाएगी देखें सी आउट के साथ हम चेंड आउटपुट कर सकते थे वॉट डज चेंड आउटपुट मीन वी कुड राइट समथिंग लाइक सी आउट लेस देन लेस देन डबल कोटेशन मार्क्स के अंदर द वैल्यू ऑफ द फर्स्ट इंटीजर इज फिर लेस देन लेस देन आई ओके सो अब एक कैरेक्टर स्ट्रिंग हमने दे दी फिर डबल लेस देन साइन के साथ फिर आई दे दिया और इस तरह हम आगे चलते जाएं बेशक जब तक हम सेमी कोलर नहीं डालते एक ही सी आउट स्टेटमेंट चलती जा रही है ना हाउ डज दैट वर्क वॉट इज के जो पहली चीज़ हमने दी है इन दिस केस द स्ट्रिंग कॉल्ड द वैल्यू ऑफ़ द फर्स्ट इंटीजर और समथिंग लाइक दैट पहली चीज़ सी आउट में डाल दी जाती है यानी इट इज़ स्ट्रीम इंसर्शन जिस तरफ एरोज पॉइंट करते हैं डेटा उस तरफ को ट्रेवल करता है तो बड़ा आसान है स्ट्रीम में इंसर्ट किया वो दूसरी तरफ निकलेगा स्क्रीन के ऊपर आ गया उसके बाद बाकी के हिस्से का क्या बना फिर एक डबल लेस देन साइन है और फिर आई पड़ा हुआ है अब इसको लेफ्ट हैंड साइड पे क्या नज़र आना चाहिए इसको फिर सी आउट नजर आना चाहिए यानी इट शुड लुक एज एफ के जी जो स्ट्रीम में डाला था वो तो चला गया Up next operation is C out less than less than i. Now, once we have defined that this is the behavior that we expect, then we understand that this is exactly the way it has been programmed. Yeni your double less than hai just come stream insertion operator ka thing. Wo operator output streams ke liye overloaded hai. Or yes overloading ka syntax jo hai, it returns a reference to the output stream. Ye aap के हैंड आउट्स में भी दिया हुआ है स्क्रीन पे देखें कि जो स्ट्रीम इंसर्शन ऑपरेटर है इसका सिंटेक्स है समथिंग लाइक ओ स्ट्रीम एंड यानी इट रिटर्न अ रेफरेंस टू एन ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप ओ स्ट्रीम और फिर ओ स्ट्रीम कोलन कोलन यानी इट्स अ मेम्बर ऑफ द क्लास ओ स्ट्रीम ऑपरेटर बिकॉज इट्स एन ऑपरेटर डबल लेस दैन दैट इज द सिम्बल दैट वी यूज एंड सो ऑन इम्पॉर्टेंट थिंग आई वॉन्ट टू पॉइंट आउट इज़ कि जो डबल लेस दैन ऑपरेटर है इट रिटर्न अ रेफरेंस टू द ओ स्ट्रीम ऑब्जेक्ट इट्सल्फ होता क्या है कि जब भी हमने एक चेंड आउटपुट स्टेटमेंट लिखी तो वो लेफ्ट टू राइट प्रोसेस होती है सो सी आउट लेस देन लेस देन दैल्यू ऑफ द फर्स्ट इंटीरियर इज ये पहले प्रोसेस होगा लेफ्ट टू राइट प्रोसेस क्या हुआ कि ये जो पूरी कैरेक्टर स्ट्रिंग थी ये स्क्रीन पर डिस्प्ले हो गई रिटर्न क्या हुआ एज पर द प्रोटोटाइप एंड द डेफिनेशन इट रिटर्न a reference to the o stream object in this case cons object tha? c out so a reference to c out is returned so ab next half of the statement jo usko kya nazar aata hai? it sees c out less than less than i and it operates quite nicely and this allows the stream insertions to be chained the same actually applies to input so if we say something like c in greater than greater than which is now the stream extraction operator हमने bytes जो है वो stream में से extract करनी है खींच के निकालनी है so if we say c in greater than greater than i greater than greater than j और i और j दोनों जो हैं let's say are integers तो अब फिर ये left to right processing होगी और ये जो है ये i stream के साथ हो रहा है लेकिन the operator will return a reference to the i stream object सो इट रिटर्न रेफरेंस टू द इनपुट स्ट्रीम ऑब्जेक्ट जो इस केस में सी इन है तो पहला हिस्सा जब सी इन ग्रेटर देन ग्रेटर दैन आई एक्सिक्यूट हो जाएगा तो बाकी के अंदर नज़र आएगा कि जी जैसे लिखा हुआ है सी इन ग्रेटर than ग्रेटर देन जे सो वो रिप्लेस हो जाता है पहला हिस्सा काम कर जाता है दूसरा हिस्सा काम कर जाता है सो इट्स इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि ये ऑपरेटर्स किस तरह काम करते हैं इनके प्रोटोटाइप आप देख लें एंड यू विल रियलाइज देस

उसके बाद हमने स्ट्रीम एक्सट्रैक्शन एक्चुअली सी इन के लिए फिर सी इन के साथ हमने गेट भी इस्तेमाल किया सी इन के साथ रीड भी किया अब सी इन के साथ एक और फंक्शन है उसका मेंबर फंक्शन है ऑब्जेक्ट का वो है गेट लाइन तो गेट लाइन जो है वो पूरा एक बफर पढ़ लेता है टू द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स यू स्पेसिफाई एंड अप टू अ डिलिमिटर यू स्पेसिफाई सो यू कैन यूज़ समथिंग लाइक सी इन डॉट गेट लाइन फिर पैरेंथिस के अंदर कोई आप चार पॉइंटर बफर का आप नाम दे देंगे दैट विल बी द वेरिएबल जिसके अंदर डेटा स्टोर होगा फिर आप एक इंटीजर दे देते दे हैं कितने कैरेक्टर्स पढ़ने हैं सो so अगर आप इंटीजर दे देंगे दे दे एक सौ उसकी वैल्यू दे देते दे हैं तो गेट लाइन फंक्शन जो है वो नाइन्टी नाइन कैरेक्टर्स तक पढ़ लेगा कीबोर्ड से वाई नाइन्टी नाइन बिकॉज इफ़ यू रिमेंबर एवरी स्ट्रिंग इन सी प्लस प्लस और इवन सी हैज़ टू बी टर्मिनेटेड बाई अ नल कैरेक्टर बैक स्लैश जीरो जो लिखा जाता है सो नाइन्टी नाइन कैरेक्टर्स प्लस नल विल मेक हंड्रेड तो जब आप हंड्रेड लिखते हैं वो नाइन्टी नाइन पढ़ेगा फिर उसके बाद हम एक डिलिमिटर भी दे सकते हैं डिलिमिटर का क्या मतलब है कि जी वाट हैपन्स अगर नाइन्टी नाइन कैरेक्टर्स नहीं हमने एंटर करने हमने दस करने हैं तो इसको पता तो होना चाहिए कि जी दस के बाद पढ़ लो तो नॉर्मली डिलिमिटर इज़ द न्यू लाइन कैरेक्टर सो अगर हम कोई चीज़ टाइप करें और फिर एंटर दबा दें तो वो कहेगा कि जी सौ कैरेक्टर पूरे नहीं हुए पर न्यू लाइन आ गई है सो दैट्स अ डिलिमिटर डेटा पढ़ के बफर के अंदर डाल दो सो देर अ गेट लाइन फंक्शन उसके बाद कुछ इंटरेस्टिंग से फंक्शन हैं सीन के साथ हम गेट करते हैं तो एक कैरेक्टर पढ़ते हैं क्या वो कैरेक्टर अब वही आप पाइप का तस्वुर कर लें कि जी एक पाइप है उसके अंदर आप छोटे छोटे करके एक एक बाइट डाल रहे हैं और दूसरी तरफ से बाइट निकल रही है क्या कोई तरीका है कि जनाब जो बाइट निकली है उसको वापस पाइप में डाल दिया जाए फ्रॉम द रोंग साइड उसके लिए देर एन अन तो यू कैन डू अ सी इन डॉट अन गेट लेकिन ये याद रहे सिर्फ़ एक कैरेक्टर ठीक है ना इससे ज़्यादा नहीं सो so आखिरी जो निकाला है वो आप वापस डाल सकते हैं यू कैन डू सम लाइक सी इन डॉट पीक अ पीक एज द वर्ल्ड इम्प्लाइज के जी वो छुप के ना कहीं पर देखना सो so ये जो है दिस इज़ लाइक अ ट्रिक दैट यू परफॉर्मिंग हम कह रहे हैं कि जी हम अभी गेट नहीं करना चाहते कैरेक्टर को हम चाहते हैं कि जी ये पता चल जाए कि अगला कैरेक्टर आ कौन सा रहा है So, you can do cn.peak and it will return the next character that would be read if you issued a cn.get. So, interesting stuff you have get line, you have cn.peak, you have unget, and you have a peak operation. These are implemented as member functions of this input class. This is the I mean there is a put line for the cout, cout uh, object. पूरी एक बफर को आउट कर दें लेकिन दे उसकी ज़रूरत नहीं है बिकॉज सी आउट ऑलरेडी नोज हाउ टू हैंडल कैरेक्टर स्ट्रिंग्स सो वी कैन जस्ट सिंपली डू दैट बट सी आउट डॉट राइट इज़ यूजफुल वो एक रॉ अनफॉर्मेटेड आउटपुट कर सकता है सी आउट डॉट पुट जो है इट्स लाइक फॉर्मेटेड आउटपुट वो कैरेक्टर बाई कैरेक्टर आउटपुट करेगा और सी आउट के साथ स्ट्रीम इंसर्शन ऑपरेटर विच इज़ द डबल लेस दैन साइन अगर इस्तेमाल करें तो बहुत सारी फॉर्मेटिंग कन्वर्जन की जा सकती हैं वॉट कैन वी डू समथिंग लाइक कि हमने एक कॉम्प्लेक्स क्लास बनाई है तो कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट को इनपुट या आउटपुट किया जा सके आंसर इज यस ऑल वी नीड टू डू इज राइट एंड ओवर लोडेड फंक्शन ऑफ द स्ट्रीम इंसर्शन और एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर्स नाउ इट्स अ मैटर ऑफ स्टाइल कि जी कॉम्प्लेक्स नंबर आपको याद होगा दो हिस्से हैं एक रियल पार्ट है एक इमेजनरी पार्ट है हम चाहें तो दो नंबर जो हैं उनको स्पेस दे के लिख दें और वो उसको पढ़ लेना चाहिए चाहे तो दो नंबर्स को कॉमा दे के सेपरेट कर लें डिपेंडिंग ऑन वॉट वी वॉन्ट दैट इज द वे वी वुड राइट द ओवरलोडेड ऑपरेटर बट यू हैव टू अंडरस्टैंड समथिंग एल्स मैंने जब पहले कॉम्प्लेक्स नंबर की बात की कि जी मे बी यू वॉन्ट टू नंबर्स सेपरेटेड बाई अ स्पेस दैट मीन्स कि जो स्पेस हम छोड़ते हैं दिस इज सिग्निफिकेंट हाउ इज इट सिग्निफिकेंट ट्राई अ वेरी सिंपल टेस्ट आप कहें कि जी चार नेम सिक्सटी नेम इज़ एन एरे ऑफ सिक्सटी कैरेक्टर्स फिर आप कहें सी इन ग्रेटर दैन ग्रेटर दैन नेम और जब आप एंटर करने लगें की बोर्ड पर तो अपना नाम डाल दीजिएगा मैं डालूँ मैं कहूँगा नवीद मलिक दो लफ्स हैं दरमियान में स्पेस है अगर मैं अब नेम की वैल्यू आउटपुट कराऊँ यूजिंग सी आउट तो मुझे पता चलेगा कि जी पहला वर्ड जो था वो नेम एरे के अंदर स्टोर हुआ है दूसरा स्टोर नहीं हुआ वॉट हैपन्ज कि ये जो हमारी स्ट्रीम्स हैं दे आर सेंसिटिव टू वाइट स्पेस कैरेक्टर्स विच आर ट्रीटेड एज द लिमिटर्स आप देखें दो नंबर्स हैं अगर उनको हम पढ़ना चाहते हैं तो देर इज़ ऑलमोस्ट नो अदर वे या तो आप कहें एक नंबर एंटर दूसरा नंबर एंटर अगर आप चाहते हैं कि जी दो नंबर्स पढ़े जाएं लेकिन एक ही लाइन पे तो दरमियान में हम स्पेस छोड़ेंगे वेल दीज स्ट्रीम्स आर इंटेलिजेंट इनफ कि ये स्पेस को स्पेशली ट्रीट करती हैं दे ट्रीट दम एज द सो नाम के एग्जाम्पल के अंदर एक हिस्सा पढ़ा गया दूसरा हिस्सा कहाँ है इट्स नॉट गॉन येट यह अभी स्ट्रीम के बफर में ही पड़ा हुआ है सो इफ़ यू एक्चुअली सेड चार नेम वन थर्टी कॉमा नेम टू थर्टी सो ना अब दो कैरेक्टर एरेज बना देते हैं ना यू कैन एंटर अ टू पार्ट नेम ऑन द सेम लाइन आई वुड रे लाइक नवीद स्पेस मलिक एंटर और वो नवीद जो है वो चला जाएगा नेम वन एरे के अंदर अगर वो सी इन के साथ मैंने इस्तेमाल की है और सी इन एक और इशू करूंगा विद नेम टू तो लास्ट नेम जो है वो नेम टू के अंदर चला जाएगा सो थिंग्स डोंट डिसअपियर दे स्टे इन द बफर टिल यू एक्चुअली एक्सट्रैक्ट दम ठीक सो यू हैव टू बी केयरफुल विद डैट और ये आपने शायद गेट के साथ ऑलरेडी एक्सपेरिमेंट कर लिया वो प्रेस एनी की टू कंटिन्यू वाला प्रॉब्लम जो था कि जनाब दो कैरेक्टर्स आ जाते हैं हम नॉर्मली कुछ ऐसा प्रोग्राम में लिखना चाहते हैं कि जी ये हो गया है प्रेस एनी की टू कंटिन्यू अब आप कीबोर्ड के ऊपर कोई भी की दबा देते हैं बाय द वे कोई ऐसी की नहीं है जिसके ऊपर एनी लिखा हुआ है व्हेन यू सी ए मैसेज प्रेस एनी की डेर इज एन एनी की ऑन द की बोर्ड एनी आप की दबाते हैं तो फिर आप एंटर दबाते हैं तो नॉर्मली ये प्रोग्राम काम करता है एटलीस्ट डेव सी प्लस प्लस के साथ तो यही था लेकिन बफर में अगर देखें क्या हुआ जो की दबाई है वो कैरेक्टर भी बफर में गया है और जो एंटर की दबाई है ये भी कैरेक्टर बफर में गया तो बफर में एक्चुअली दो कैरेक्टर्स हैं और सीन डॉट गेट जो है वो पहला वाला पकड़ लेगा दूसरा अभी बफर में पड़ा रहेगा एंड वी हैड टू राइट अनदर सीन डॉट गेट टू गेट द न्यू लाइन कैरेक्टर आउट ऑफ द क्यू एनी वे इंटरेस्टिंग स्टफ बट लेट्स जस्ट रिक वट वी हैव स्पोकन अबाउट टूडे इज इनपुट आउटपुट स्ट्रीम्स इनपुट आउटपुट स्ट्रीम्स आर क्लासेज जिनके हम ऑब्जेक्ट्स इस्तेमाल करते हैं ऑब्जेक्ट्स थे सी इन सी आउट सी एरर सी लॉग एंड सो ऑन हम अपने ऑब्जेक्ट्स भी क्रिएट कर सकते हैं वो हम फाइल्स के सिलसिले में ऑलरेडी कर चुके हुए हैं क्योंकि ये इन क्लासेस के मेंबर्स हैं इनके साथ कुछ मेथड्स एसोसिएटेड हैं बुक के अंदर भी आपको पूरा टेबल मिल जाएगा कुछ इनके साथ ऑपरेटर्स एसोसिएटेड हैं हमें ऑपरेटर ओवरलोडिंग करना आती है सो तो हमने ओवरलोडेड ऑपरेटर्स भी हम लिख सकते हैं इस वक्त इन स्ट्रीम्स के लिए और स्ट्रीम का बेसिक कॉन्सेप्ट वो याद रखिए It is a sequence of bytes. Agli dafa jis cheez ki karenge wo hai manipulation, which means formatting or in, of input and output. So till then, khuda hafiz.